नमस्कार दोस्तों, आज फिर आरसीजी उत्तराखंडी आपका पास लेके आणु छ गढ़वाली भाषा को एक और पाठ। वे पाठ में मैं दिखाणु छूं कि आजकल खेतीबाड़ी चनी छ, और खेतीबाड़ी में अब मैं दिखाणु छूं कि बड़ी मुश्किल से ही सारे गांव में पूरा गांव में ढूंढ ढांडी ते भी एक बल्दों की जोड़ी नहीं मिली दिखी। क्या हमारे गांव के माले सार वेगी ना? हाँ, तो माले सारे में तो आदत तो पूर्ण सी तने अटेंशन जाओ माँ पूरु के बोल दन दुबल जम्यू है। हाँ 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 तोर लोग तब कुटलन छंडला है ना, तो कुटलन तोर मतलब सारा पुंगड़ तो बयानो नहीं, मतलब बयानो मतलब कि हॉल लगाना, मतलब हल चलाना एक खेत में, वो एक तो बोलते बयान है ना कि बयानो तो छनी च। और तोर जो कुटलन खोदी एक खड़ा कर कर ये जन पहले हम भट के बुत दे छा है पुंगड़ों किनारा किनारा भट बुद्यान छा था, वो हिसाब से तोर च बुद्यानी। तब ये बल्द अगर सारे गांव में दिखे जाता हमारे पूरा गांव में बल्द नहीं है ना, बल्द नहीं। तब लोग तो हॉल और भूल गए है, तो यो हॉल से चलाणो अजीत चलाणो जो हॉल है बेटा अजीत हॉल से चलाणो तो अपने गांव में, तो यो बिल्कुल आजकल अजूब हो गया कि बड़ कह के गांव में बल्द ही नहीं हॉल ही नहीं, तो हमारे गांव भी हाल हुई है। तो बल्द का बिटी ले अठोल बिटी, तो अठोल बिटी बल्द लयान और सियो हॉल लाट ये हॉल लाट अपड़ी छे। अच्छा अच्छा चलो ये बढ़िया छे। अब दो दो अभी मिन पिछला कुछ चैप्टर में तौल मतलब नीचे और एच मतलब ऊपर, तो अभी जो अजीत बुनो चलो ये बढ़िया छे। अब दो दो अभी मिन पिछला कुछ चैप्टरों में तौल मतलब नीचे और एच मतलब ऊपर, तो अभी जो अजीत बुनो कि दू 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 को मतलब आंद वो भी उद उद दू का मतलब उद उद मतलब नीचे या मलाय की तरफ, मलाय मतलब बाहर की तरफ। और बू बू बुलदान एक वर्ड च बू 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 को मतलब आंद उब उब यानी मथी मथी या ऊपर 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 की तरफ को बोलते हैं बू, और नीचे की तरफ बोलते हैं दू यानी उब और उद। ये वर्ड यूज होना, और ये जो बल्दों की जोड़ी च यू एक च काल रंगो काल मतलब काला, और यू एक च कैंडिया कैंडिया मतलब जो दूसरी वाइट और भूरे कलर का होता है उसको बोलते हैं कैंडिया। तो ये कैंडिया बल्द और एक काल बल्द चलू, अरे अठूल बिटी छन लया अरे लगनो छ हॉल। अब बुतण क्या चा आप लखो नियमा तोर बुते क्या तोर बुतण अपन बुते गे, बुते गे। बुत, अच्छा बुते गया। अच्छा पहली मतलब बुत ध्यान और वहां बाद हॉर लगान है बे बे गया, तो बयानो मतलब हल लगाने को बोलते हैं बयान है ना। और यो छ हॉल, और ये का जो अलग अलग पार्ट छन उनका बारा में भी मी ये बतावलो भी। तो अब तक हमन जो वर्ड सीखी ना वो सीखी दू 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 मतलब उद उद यानी नीचे नीचे, और बू बू मतलब उब उब ऊपर ऊपर। अब जो यो बैल बैलों का या बल्दों का, बैल मतलब बल्द, ये बल्द जो छना यू बल्दों का कांध हमारा जो दरियों चो एक तो बुलदन हम जुआ यानी जुआ जिससे दो बैलों की जोड़ी को बांधा जाता है जिनके गले में रखा जाता है उसके बोलते हैं जुआ। तो ये जुआ है बैलों के गले में, और जो हल्के साथ जुड़ी हुई है लकड़ी इसका नाम है लाट, यानी ये कबूतर लाट। अब जो यू लाट और जुआ जुड़ी हुई थी ये मैं यू काल कपड़ों से जुड़ी हुई आजकल कपड़ा है लेकिन किले की लोग न तो क्याड़ा छंडाला क्या, और जो भोला का से क्याड़ा छिल्ला छेलू ये सब गुम है। तो यो हॉल जो जुड़ी आगना ही हॉल मतलब हल, और जुड़ रखा है आगे जुआ के साथ में लाट से, यानी हॉल लाट और जुआ।
ये हॉल लगाना तो ही मेन चीज छन। अब हॉल में भी पार्ट छन, एक बीच में जग जुड़ी च लाट और एक एंच जय हाथ पकड़ देन हत्ता हत्ता, ये तो क्या बोलते अजीत में तो भूल गया एक नौ हथ न्योड़ू, मतलब जो हाथ है जिसे हत्ती जो है जिससे पकड़ कर का हलको चलाया जाता है उसको गढ़वाली में बोलते हैं हथ न्योड़ू। तो यू वर्ड भी मीन आज यू नए वर्ड जो छ यू आप ये चैनल मच दिखाणु, तो यू काल और कैंड या बल्द यानी काला और दूसरी बैल, बीच में लाठ, कंधे पर जुआ, इसको कहते हैं जुआ, इसके बीच में जो लंबी लकड़ी लगी है इसको बोलते हैं लाठ, और ये हथनोड़ो जिससे हाथ सा है, एक बार मत उठा जरा हालते हाँ। अब वो सबसे नीचे जिससे हाल लगाया जाता है वो था बुलदन गडल में निशुड़ू है, तो ये निशुड़ू जो है उसके अंदर एक और लोहे का पार्ट लगा है जो लोकरो जो पार्ट लगे हुए जो एक लाल वो एक तबुदन बाणु है, बाणु जो खेत था है खेता बीच में जो हॉल लगाणु और वो एक बुलदन बाणु, अर्जन कुटल पर वान लाल यानी कुटली जो होती है जिससे हम खुदाई करते हैं हाथ से, तो वे पर बुलदन लाल और जो यो निशुड़ जो निशड़ा आगने पर जो लोकरो जो पार्ट थे जैसे कि खेत या पूड़ जो च बयाणु च, तो वो एक बुलदन हम बाणु तो निशड़ो। आज अमन सीखी हॉल, हॉल मतलब हल, लाट लाट मतलब लाठी हो सकती है एक लकड़ी जो कि जोड़ कर रखती है जुआ और हल को, और जो हाथ से पकड़कर हत्ती हत्ती जो होती है जिसे पकड़कर हल को चलाया जाता है वो एक बुलदन हथनेड़ो, और जो जमीना पार्ट जो एक तबुदन निशड़ो और निशड़ो पर चलो कि वहाँ लोग रो पार्ट में तबुदन बाणु, यो जो मतलब कैक कैक शो पुंगड़ हाँ ले ले बल छुट गए ना, अच्छा बल दूं तब बीच बीच में खानो चार बीचे आंधी किले की ये तोरण तब वाण जब बरखा हो वाली और बरखा मतलब बारिश, तो बारिश के ऊपर डिपेंड खेती च, तो बरखा वाली तो तभी ये तोरण अंकुर आना ना वेग बाद इन वाण तो तोर जो च लगभग नौ महीना में तैयार वाण, हाँ बिल्कुल नवंबर का महीना में अभी यो चनु मार्च, हाँ जी कभी भी ना ये तो ये किया तो भदौड़ी में हमेशा भदौड़ी ये यानी भदौड़ी वो जगह होती थी कि जिसमें तोर बोई जाती है यानी दाल जो दलहन बोया जाना है भदौड़ी में, तो ये वो खेत हैं जिन खेतों में कभी धान बोया जाता था कभी इनमें गेहूं बोया जाता था, तो वो अब सारी खेती जो है वो भी मुश्किल इसमें ये मैं कुटलन कुटलू लाल जाड़ू यूमी अगला चैप्टर में आप पास ले को लो तबर तक आप क्या खा अजीत जी जी छन हॉल छन लगाना पूर्ण में और बुदे गे तोर और मथ जो बखरा छन बखरा मतलब बकरी यानी बकरी को बोलते हैं बखरा बखरा, और जो एक छोटे बच्चे वान बकरों को एक बोलते हैं चिनुक, तो ये वर्ड जो छना मैं आप ये बताएंगे ना अग्न भी अगर आप मेरा गड़बल से अगर संतुष्ट नहीं छा तो जरूर मैं तय कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरी गड़बल भी सुधर जा और जो अब मेरे सब्सक्राइबर छन आरसीजे उत्तराखंडी का वो भी जान जाला कि अच्छी गड़बल कनवान, तो धन्यवाद नमस्कार फिर मिलता हम अगले अगली कड़ी में अगले पार्ट लेके आवा गड़बल सीखा, धन्यवाद नमस्कार आरसीजे उत्तराखंडी फिर मिलेगा, जय हिंद।